गाय और इंसान का अनोखा रिश्ता 7 सालों से नहीं टूटा अब तक रिकॉर्ड। साड़ी के शोरूम में हर दिन पहुंचती है ये गाय। मालिक ने बनवा रखा है बैठने के लिए गद्दा। कस्टमर लेते हैं गाय के साथ सेल्फी। इनकी कहानी सुन उड़ जाएंगे होश। बचपन से हम सुनते आए हैं गाय हमारी माता है। वहीं भारत में गाय को पूजा भी जाता है। गौ माताओं और मनुष्यों के बीच का ये रिश्ता आज से नहीं बल्कि दैविक युग से चल रहा है। वहीं कहते हैं कि जिनके यहाँ गाय होती है उनके यहाँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दरअसल हाल ही में एक ऐसा अनोखा वीडियो सामने आया है जो देखने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गाय की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहती है। चर्चा में रहने की वजह दुकान के मालिक के साथ उस गाय का अटूट रिश्ता है। रायपुर में साड़ी के एक शोरूम में जहाँ हर दिन एक गाय उस दुकान में आती है, अंदर आती है, अपने जगह पर बैठती है और वहाँ का मालिक इस गाय को भगाने की बजाय उसे प्यार करता है। वैसे आम तौर पर जब भी किसी दुकान या कहीं पर गाय घुसने लगती है तो उसे भगा दिया जाता है, मगर ये दुकानदार उन्हें न केवल बेहतर स्थान देते हैं बल्कि हर दिन प्रसाद भी खिलाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कहानी पद्मा डाकलिया और चंद्रमणि नाम की गाय की है। जहाँ रायपुर में एक पंडरी कपड़ा मार्केट है, वहाँ पर एक शोरूम है जिसके मालिक का नाम पद्मा है और उनके दुकान में रोजाना एक गाय आती है जिसे वो बहुत प्यार से चंद्रमणि कहकर उसे पुकारते हैं। वहीं ये गाय वहाँ शोरूम में खुद से दरवाजा खोलती है, बड़े ही आराम से अंदर आती है, दुकान के मालिक को ढूंढती है और उसके बाद खुद ही गद्दे पर बैठ जाती है। दुकान के मालिक उसे बहुत ही प्यार से सहलाते हैं, फिर भोजन कराते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग उस दुकान में कपड़ा खरीदने आते हैं गाय को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके साथ सेल्फी लेते हैं। अब जब इस बारे में शॉप के मालिक से बात की गई तो पद्मा डाकलिया बताते हैं कि साल 2016 की बात है, धनतेरस के दिन ये गाय चंद्रमणि उनके दुकान के अंदर घुसाती है और उस दौरान उनके दुकान वाले काम करने वाले उसे भगाने लगते हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें मना करते हैं कि मत भगा। वहीं धनतेरस जैसे शुभ दिन पर गाय का उनके दुकान में अपने आप आगमन होना कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से शुभ संकेत माना गया है और उन्हें उसके बाद प्रसाद खिलाया गया। और उस दिन से लेकर यानी कि 2016 के धनतेरस से लेकर अब तक के नियम के हिसाब से हर दिन वो गाय आती है, बैठती है, भोजन ग्रहण करती है और आशीर्वाद देकर चली जाती है। इतना ही नहीं, दुकानदार बताते हैं कभी कभी कपड़ा खरीदने आए कस्टमर जब ये नजारा देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन रोजाना चंद्रमणि के आने से लोग अब उसे पहचानने लगे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये बड़े ही आराम से गद्दे पर घंटों बैठती हैं, उसके बाद चली जाती हैं, लेकिन जब तक वो गाय होती है उस दौरान कस्टमर उनके साथ सेल्फी लेते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अब चंद्रमणि और मेरा रिश्ता माँ बेटे जैसा हो गया है। इतना ही नहीं, दुकान के मालिक पद्मा बताते हैं कि खैरागढ़ में उनका एक मनोहर गौशाला नाम का ट्रस्ट भी है जो गायों की सेवा करता है। यहाँ से बीते साल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौ यानी कि गाय से जुड़े घी, दूध ऐसे प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं और यहाँ गायों के लिए मेडिकल फैसिलिटी की भी व्यवस्था रखी गई है।